अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्यूट क्यूट से मिनी पिज़्ज़ा। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक पैकेट का ईस्ट और उसको हमने हाफ कप के करीब जो है उसके अंदर नीम गर्म पानी के अंदर हमने ईस्ट को घोल लिया है और इसको हम खमीर होने तक एक तरफ रख देंगे। उसके अलावा यहाँ हम अपनी चिकन मैरिनेट कर रहे हैं। तो चिकन में हमने लाल पिसी हुई मिर्चें ली हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हल्दी ली है, कुटी हुई मिर्चें ली हैं, नमक लिया है और इसमें हमने थोड़ा सा ऐड करा है चाट मसाला। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप मैरिनेट करके रख दीजिए। तो तकरीबन आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए तो आप इसको रखें ताकि इसमें मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अंदर तक फ्लेवर चला जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने 10 मिनट तक मैरिनेट करके रख दिया था। उसके बाद जो है हम इसमें 2 स्पून के करीब हल्का सा घी डालेंगे। इसमें आपकी मर्ज़ी है आप घी डालें या ऑयल डालें। तो हमने यहाँ पे 2 स्पून के करीब जो है वो घी ऐड करा है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी सारी चिकन ऐड कर दी है। तो चिकन ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से चिकन गल जाने तक इसको पकाएंगे और इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने 2 कप का मैदा लिया है। 2 कप मैदा लेने के बाद जो है वो यहाँ पे हमने इसमें 2 स्पून के करीब इसमें हमने ऑयल ऐड करा है। आप कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये देखिए इसमें हमने अपना खमीरा डाल के इसको अच्छी तरह गूंद लिया था। और यहाँ पे हमने 1 केक का पैन लिया है और फ्राई पैन में हम इसको बना रहे हैं। और इस पर हमने शंग्रीला वालों का पिज़्ज़ा सॉस हमने इसमें ऐड करा है। और यहाँ पे हम देखें अपनी चिकन रख लेते हैं। और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग उसको बना के ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसमें अपनी चिकन ऐड कर दी है। आपको कोई प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है। आप बस सेम एज इट इज़ ऐसे ही इसको बनाएं, हाथ के हाथ इसको गार्निश करें और गर्म गर्म इसको सर्व करें। तो यहाँ पे हमने एक अनियन काट के रखी थी, उसके बाद हमने यहाँ पे कैप्सिकम ऐड कर दी है। कैप्सिकम ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने जो है इसमें चीज़ ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है आप इसमें जो जो रखना चाहती हैं वो रखें। आप इसमें ऑलिव्स लगा सकती हैं, आपके बच्चों को जो चीज़ ज़्यादा पसंद है, जो वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है आप उसको इसमें अवॉइड कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स होती है, इसको हमने क्रश करके जो है वो पिज़्ज़े पे रख दी है। आप इसको बच्चों की बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं, बच्चों के लंच में दे सकते हैं, ये आप लोगों की चॉइस है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इस पे हम थोड़ा सा ओरिगानो स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमने अपना थोड़ा सा ओरिगानो ऐड कर दिया है। जिसको ओरिगानो का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर ओरिगानो से पिज़्ज़े का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पिज़्ज़ा जो है वो हमने रख दिए हैं। उसके बाद हमने इसको कवर कर दिया था। यकीन करें 10-15 मिनट भी बहुत मुश्किल है, 5 मिनट में ही ये बनकर रेडी हो गया था। इसकी चीज़ वगैरह बिल्कुल मेल्ट हो गई थी और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग इसको बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।